अनुपमा वो जब मेरे पास कार है तो हम ऑटो से क्यों जा रहे? एग्जैक्टली वो क्या है ना, ये सब्जी वाला भी कार वाले ग्राहक को देख के अपना रेट बढ़ा देता है, तो आपकी बड़ी सी गाड़ी को देखकर तो किराया पक्का बढ़ जाएगा। पॉइंट तो है। वैसे किराया तो आपको देख के भी बढ़ जाएगा। क्यों? सबको थोड़ी पता है कि मैं अनुज का पार्टी हूँ। हाँ, लेकिन आप दिखते तो एकदम रईस है ने? जहाँ भी जाते लोग बस आप ही को देखते रहते। वो मंदिर में दोनों लड़कियाँ याद है? कौन? हम मंदिर गए थे ना, वहाँ पर वो दो लड़कियाँ क्या कह रही थी, हाय कितना हैंडसम है, काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा आ जाए तो मैं अब भी के अब भी फेरे ले लूं। आपको देख के तो वन रूम किचन का किराया भी थ्री बेडरूम जितना हो जाएगा। मुसीबत मुझे होगी। अब लग रहा हूं ना मैं बिल्कुल आम आदमी की तरह, बाकियों की तरह। लोग पैसों से खास नहीं बनते, आप कितनी भी कोशिश कर लें कभी भी बाकियों की तरह नहीं लग सकते। मेरा कहने का मतलब है कि अब मैं मिडिल क्लास तो लग रहा हूं। एक काम करना अनुपमा प्लीज, तुम्हारा बैग काफी बड़ा है, इसमें अगर जगह हो तो ये रख लेना, मैं बाद में ले लूंगा प्लीज। थैंक यू। वैसे आप ऐसे क्यों हैं? कैसे? वैसे जैसे आप हैं। अरे पर कैसे? इतने अच्छे। मुझे पसंद है। अनुपमा वैसे और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं मकानों के, अगर तुम चाहो तो उन्हें भी देख लेते हैं। और घर देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे ये घर पसंद आया, इसी को फाइनल करते। तुम्हें ये घर इतना अच्छा लगा? आपको अच्छा नहीं लगा क्योंकि आप मकान में मकान देख रहे हैं, पर हम औरतें घर देखती हैं। हाँ, और मुझे इसमें अपना घर दिखाई दिया, बस अब मकान मालिक मान जाए मुझे ये घर देने के लिए। लगता बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं सिंगल हूँ। पारिक भाई, डिपॉजिट तो 50,000 ही रहेगा ना? हाँ, मैंने इन्हें बता दिया, तो बताइए मैम कैसा लगा आपको घर? अच्छा है, पर एक मिनट, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलिए। मेरा तलाक हो चुका है, इसका मतलब मैं सिंगल हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, कभी कभी शायद मुझे मिलने यहाँ आएंगे। मेरा एक बेटा है जो मेरे साथ रहेगा, लेकिन परमानेंट नहीं, वो आता जाता रहेगा। अगर आपको इस बात से कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी बता दीजिए ताकि हम बात शुरू करने से पहले खत्म कर दें। बात खत्म नहीं होगी, आगे बढ़ेगी। मैं भी सिंगल हूँ और मैं समझती हूँ कि ये समाज सिंगल लोगों को कितना गलत समझता है। जब मकान मालिक मेरे मुंह पे कहते थे कि सिंगल लड़कियों को हम घर नहीं देंगे और सिंगल लड़कियां सही नहीं होती, तब मैं हर बार यही सोचती थी कि जब मैं अपना घर किराए पे दूंगी तो किसी भी सिंगल लड़की को वो इंसल्ट से नहीं गुजरना पड़ेगा जिससे मैं गुजरी हूँ। आप तो सच में वो इंग्लिश में जो औरतें आगे बढ़ती है उसको क्या कहते हैं? एम्पावरमेंट। हाँ, आप वो हैं, सच में वो हैं। वैसे मैम आप अपने घर को लेके बिल्कुल बेफिक्र रहिए क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा क्लीशे लगेगा सुनने में, लेकिन ये जो लड़की है ना, ये इस मकान को घर बना देगी और घर को मंदिर। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और मुझे लड़की कह रहे? और आई अग्री। मैंने अपनी बात पूरी बोली भी नहीं और आप पहले से आई अग्री कर रहे हैं। पहले बात सुन तो लीजिए, फिर आप बोलिए। अरे भाई, जब मुझे तुम्हारी सारी बातें माननी हैं तो सुनना ना सुनना बराबर ही है। क्या कहती हैं? Exactly. मैंने पारिक भाई से सारी बातें फाइनल कर ली हैं। आज से ये घर आपका। थैंक यू
मुझे धनतेरस के दिन मेरा घर देने के लिए। ये रही आपके घर की चाबी। थैंक यू